उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर चिड़ियाघर में एक शेर को उसके बाड़े में छोड़ा। मुख्यमंत्री भीषण गर्मी के बीच पशुओं के लिए किए गए प्रबंध का निरीक्षण करने आए थे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऐसा कोई भी अवसर जिस पर देश गर्व कर सके अपने लाभ के लिए उसमें राजनीति करना कांग्रेस पार्टी के डीएनए में समाहित हो चुका है। देखिए, ऐसा कोई भी अवसर जिस पर देश गर्व कर सके, जिस पर देश को अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसमें संशय पैदा करना और उसमें राजनीति करना, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में समाहित हो चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिन लोगों की सीटों का आंकड़ा मात्र 100 भी पार नहीं कर पाया, 3 अंकों में भी उनकी सीटें नहीं आई, वे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुँच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुँच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से, इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जा करके, ऐसी समाज के अंदर भी जा करके इनके के झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मेहसाणा के कोचवा में हेमागोरी अशोक कुमार बारोट स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह यात्रा घाटों को सौंदर्यकरण के लिए, पर्यावरण के लिए और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए निकाली जाती है। परिक्रमा 2 दिन की यात्रा, 9वीं और 10वीं की, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये माँ शिप्रा की पवित्रता के लिए, पर्यावरण के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन के लिए निकाली जाती है। प्रधानमंत्री मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली लौटे।